गाइस तो कैसे आप सभी लोग। सो जैसे कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था आप क्यू एन ए वीडियो लेके आओ, सो मैं हाजिर हूँ आपके लिए क्यू एन ए वीडियो लेके। सो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच गाइस फॉर 7.6 के सब्सक्राइबर्स। लाइक आई वॉज सो हैप्पी जब मेरे 7.6 के सब्सक्राइबर्स जिस दिन कंप्लीट हुए थे उस दिन आई वॉज लाइक कि अभी तो मेरे 7000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे और इससे जल्दी मेरे 7.6 के भी कंप्लीट हो गए। लाइक थैंक यू सो मच गाइस। अब मुझे पता है आप 8000 भी कंप्लीट करवाओगे मेरे, करवाओगे ना। सो या बिना किसी बकवास करे हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ज़्यादा बकवास करूँगी तो आप वीडियो स्किप कर दोगे, है ना। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, व्हाट्स योर फुल नेम। सो माय फुल नेम इज़ वेदिका चौहान। मैंने इसको पहले वाली क्यू एन ए वीडियो में भी बताया था कि मेरा नाम फुल नेम क्या है, वेदिका चौहान है। सो शायद किसी ने देखी नहीं होगी, तो मेरा नाम वेदिका चौहान है। सो व्हाट्स योर एज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट्स योर एज। सो आई एम 12 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर योर हॉबीज। सो माय हॉबीज सबसे पहले तो ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट है, देन डांसिंग एंड सिंगिंग, देन है वेयर आर यू फ्रॉम। सो आई एम फ्रॉम इंडिया, उत्तराखंड। नेक्स्ट है हु इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। सो इंस्पायर मुझे मेरी एक फ्रेंड ने किया था कि हाँ तू भी अपना चैनल खोल, उसने एक बार कहा था, फिर मेरे ही खुद दिमाग में चढ़ गया था कि हाँ मुझे यूट्यूब चैनल खोलना है। सो इंस्पायर मुझे उसने किया है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट्स योर फेवरेट फूड। सो मेरा फेवरेट फूड है भिंडी एंड रोटी घर में, जंक फूड। इससे आगे भी एक क्वेश्चन है जिसमें किया व्हाट्स योर फेवरेट जंक फूड। सो जब वो क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बताऊंगी मेरा फेवरेट जंक फूड क्या है, बट मेरा फेवरेट फूड है भिंडी और रोटी घर में, इट इज़ माई लव। सो नेक्स्ट है व्हाट्स योर फेवरेट एनिमल्स। सो माई फेवरेट एनिमल्स आर डॉग्स एंड कैट्स। नेक्स्ट है हमारा डू यू हैव एनी सिबलिंग्स। येस आई हैव अ ब्रदर। मेरे पास एक भैया हैं जो कि अभी बीकॉम फाइनल ईयर पे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आर यू अ ब्लैंक। येस आई एम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन, फेवरेट आर्ट एंड क्राफ्ट यूट्यूबर। सो मेरा फेवरेट आर्ट एंड क्राफ्ट यूट्यूबर है टोनी आर्ट एंड क्राफ्ट। सो व्हाट्स योर फेवरेट यूट्यूबर। ये था फेवरेट आर्ट एंड क्राफ्ट यूट्यूबर के बारे में, बट वो मेरी फेवरेट यूट्यूबर नहीं है। मेरे जो फेवरेट यूट्यूबर हैं वो है प्रगति श्रेया, सानवीज वंडरलैंड एंड ऑल्सो शिवांगी साह। हाँ उनका नाम साह है, शिवांगी साह। बहुत सारे लोग उनका नाम मिस प्रोनाउंस करते हैं, शाह बोलते हैं, बट उनका नाम सॉरी मेरी ना बहुत गलती आ जाता है, ऐसे मैं डिजिटल कंप्यूटर बना देती हूँ। सो उनका नाम शिवांगी साह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। सो इसका आंसर मैंने बता दिया है आपको, एंड योर सब्सक्राइबर्स वुड बी डेजल इफ़ यू स्टार्ट ब्लॉगिंग एज वेल, थैंक यू फॉर योर सब्सक्राइबर्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी आवर्स डू स्टडी इन अ डे। ये क्या पूछ लिया गाइस आपने। सो चलो आपको बता देती हूँ, कभी कभी जब मेरा मन नहीं होता ना तब तो मैं पढ़ती ही नहीं हूँ। यस मैं पढ़ती ही नहीं हूँ जब मेरा मन नहीं होता, और हाँ जब कभी कभी नहीं पढ़ती हूँ मैं, वरना तो रोज़ पढ़ती हूँ, एक डेढ़ घंटा पढ़ लेती हूँ। नेक्स्ट है हमारा हु इज़ योर फेवरेट एक्टर। सो माई फेवरेट एक्टर इज़ कार्तिका आर्यन। नेक्स्ट है हमारा इन विच क्लास डू स्टडी। सो आई स्टडी इन 7th क्लास। और हाँ गाइस एक डिस्क्लेमर देना है कि अगर आपको बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आ रही होगी बाइक्स के हॉर्न की या कार की या व्हीकल्स की, सो प्लीज़ उसे इग्नोर करना, क्योंकि हम ना बाजारों के बीच से बीच रहते हैं, और आजकल तो वैसे ही आज छोटी दिवाली है, और हाँ उसके लिए भी आपको हैप्पी दिवाली है आपको मेरी तरफ से। सो या उस साउंड्स को इग्नोर करना प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा है, आर यू अ टॉपर ऑफ योर क्लास और अ बैक बेंचर और एन एवरेज स्टूडेंट। सो हाँ मतलब हाँ भगवान की कृपा से अभी तक तो मैं अच्छी बच्ची हूँ, आगे का मुझे पता नहीं, भगवान जी कृपा करेंगे तो आगे भी रहूँगी, अभी तक तो हाँ टॉपर की कैटेगरी में गिन सकता हूँ। नेक्स्ट है हमारा व्हाट्स योर फेवरेट स्पोर्ट। सो मेरा फेवरेट स्पोर्ट है बैडमिंटन। नेक्स्ट है हमारा व्हाट्स योर हॉबी अदर देन ड्राइंग। सो ये मैंने आपको बता दिया है कि अदर देन ड्राइंग है मेरा डांसिंग एंड सिंगिंग। नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली। ओके सो अगर अपने अपने की बात की जाए, अपने अपने से मतलब है हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सो अगर अपने अपने की बात की जाए तो मम्मी पापा और भैया और मैं हैं, और हमारे जो पूरा घर है ना उसे चार फैमिलीज रहती हैं। सो अभी तक तो मैंने आजकल गिने नहीं, सो आज गिन लेते हैं। एटीन टोटल मिला के 18 है, अपने अपने की बात की जाए तो हैं चार।
नेक्स्ट है हमारा, इज देयर एनी सेटअप ऑफ योर्स? सो अभी तक तो नहीं है मेरा कोई सेटअप, बट अगर आप सब्सक्राइब करोगे सो मैं जल्द ही अपना सेटअप बनाऊंगी और आपको भी दिखाऊंगी। ओके सो नेक्स्ट है हमारा रैपिड फायर। सो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेट्स स्टार्ट। पिज़्ज़ा और बर्गर, पिज़्ज़ा आइसक्रीम और चॉकलेट आइसक्रीम, लॉलीपॉप और टॉफी लॉलीपॉप, कोरिया और फ्रेंड्स कोरिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट्स योर फेवरेट जंक फूड? ये क्वेश्चन आ गया। सो मेरा फेवरेट जंक फूड है पिज़्ज़ा एंड पास्ता। सो नेक्स्ट है हमारा, विल यू डू एनी लाइव सेशन ऑन योर चैनल? सो हाँ, सोच तो रही हूँ मैं करने की, एंड अगर मैं करूँगी सो डोंट वरी, आपको मैं इन्फॉर्मेशन पहुँचा दूँगी एक दो दिन पहले। सो नेक्स्ट है हमारा, हु टोल्ड यू टू स्टार्ट ए YT चैनल? का आंसर मैंने दे दिया है। नेक्स्ट है, इफ़ यू डोंट ओपन एनी YT चैनल देन व्हाट इज़ योर प्लान फॉर फ्यूचर? सो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी पूरी अटेंशन अपने चैनल पे ही है, मैं अपना पूरा करियर अपने चैनल को देने वाली हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरा चैनल ना भी होता तो मेरे ड्रीम्स वही रहते जो अभी मेरे ड्रीम्स हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाउ डू यू डील विद द हेट कमेंट्स ऑन योर चैनल? ओके सो आज आपको अपना सीक्रेट बताना पड़ेगा। सो कभी कभी तो मैं डिलीट कर देती हूँ। हाँ, मैं कभी कभी डिलीट कर देती हूँ, और जब मैं डिलीट नहीं करती तो मैं ना ऐसा जवाब देती हूँ, ना ऐसा जवाब देती हूँ कि वो दोबारा कमेंट करने के काबिल ही नहीं रहते। ओके नेक्स्ट है हमारा, आर यू टॉम्बॉय और अ गर्ली गर्ल? सो इस खास है डिपेंड्स ऑन मूड। हाँ, कभी कभी मैं बिल्कुल टॉम्बॉय की तरह एक्टिंग करती हूँ, कभी कभी बिल्कुल गर्ली गर्ल की तरह। सो टोटली मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा, अपनी Q&A वीडियो में अपना डेली रूटीन बताओ। ओके सो मुझे ये क्वेश्चन नहीं है बट मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया। सो मेरा डेली रूटीन स्टार्ट हुआ है 7 बजे उठने से। अभी मेरे स्कूल का टाइमिंग है 8 AM टू 2 PM। विंटर्स के लिए हमारा टाइमिंग थोड़ा चेंज हो जाता है, वरना गर्मियों के लिए हमारा 7 AM टू 1 PM, बट अभी के लिए है हमारा 8 AM टू 2 PM। जब गर्मियों के लिए होता तो मैं 6 बजे उठती हूँ क्योंकि 7 बजे का स्कूल है, बट अभी मैं 7 बजे उठती हूँ क्योंकि 8 बजे का स्कूल है। सो 7 बजे उठती हूँ, ब्रश करती हूँ, कपड़े निकालती हूँ, नहाती हूँ, देन पूजा करती हूँ, नाश्ता करती हूँ और स्कूल के लिए रवाना हो जाती हूँ। देन स्कूल में पढ़ाई वगैरह करके देन 2:30 तक मैं घर आती हूँ, एंड देन खाना थोड़ा 5 मिनट के लिए मैं पहले फ़ोन चलाती हूँ नोटिफिकेशन वगैरह देखने के लिए, उसके बाद कपड़े चेंज करती हूँ, देन खाना खाती हूँ, देन मैं फ़ोन ही चलाती हूँ या फिर कभी कभी सो जाती हूँ। उसके बाद ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं हमारे घर पे, मेरी मम्मी ट्यूशन पढ़ाती है, सो वो रहता है 4 PM टू 5:30 PM, तो इतनी देर मैं भी पढ़ाई करती हूँ, देन मैं करती हूँ देन मैं फ़ोन चलाती हूँ या टी वी चलाती हूँ। 5:30 से ना 8 बजे तक मेरे पास कुछ खास करने के लिए नहीं होता है, सो मैं फ़ोन चलाती हूँ या टी वी देखती हूँ और फिर पूजा कर लेती हूँ, देन खाना खाते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं और फिर सो जाते हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ योर ब्लैक पिंक बायस? सो माय ब्लैक पिंक बायस इज़ वन एंड ओनली द मोस्ट चार्मिंग ब्लैक पिंक मेंबर पाक चेयंग रोजे। नेक्स्ट है हमारा, आर यू ब्लिंक और आर्मी? सो आई एम बोथ। नेक्स्ट है हमारा, हु इज़ योर इंस्पिरेशन? सो जिस यूट्यूब चैनल को देख के मुझे इंस्पिरेशन मिली है वो है टोनी आर्ट एंड क्राफ्ट। उस चैनल को देख के मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती थी, अभी भी मैं देखती हूँ। पटाखों की आवाज़ आ रही है, आज छोटी दिवाली है ना इसलिए। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ योर नेम इन हाउस? सो मेरे बहुत अजीब अजीब से नाम है सच बताऊँ तो। कोई मुझे वेदू, वेदी, वेणु, वेणी, वोडा, वैलिडिटी, पता नहीं क्या क्या, वेडिटा, अजीब अजीब से नाम है मेरे, अनगिनत नाम है। नेक्स्ट है हमारा, अगर आपको कोई अपना YT चैनल बंद करने के लिए कहेगा तो क्या आप करोगे? नहीं, मैं नहीं करूँगी, क्योंकि इतनी मुश्किल से तो मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हुए हैं और मैंने अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत लगाई है अपनी वीडियोज़ को बनाने के लिए, सो यह मैं नहीं करूँगी। नेक्स्ट है हमारा, वन एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ही बचा है, वो है हमारा, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ये कैसा क्वेश्चन है गाइस, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो आप आजकल। सो यहाँ हमारे क्वेश्चन एंड होता है, बट इस क्वेश्चन का हम जवाब देते हैं। तो सबसे पहले उसके नाम में अपना टूथपेस्ट चाहिए होगा, अगड़म बगड़म तिगड़म बुगड़म छू। ओके, हमारा रेगुलर टूथपेस्ट है दंत कांति, नहीं प्रमोशन नहीं है ये पतंजलि का। ओके सो ये है हमारा टूथपेस्ट। सो आज तक मैंने नोटिस नहीं किया इसमें नमक है या नहीं, बट आज करते हैं। Now let's taste. हाँ, इसमें नमक है। इस
इसमें नमक है, नमक के साथ साथ इसमें लौंग, इलायची, धनिया, पता नहीं क्या क्या है इसमें। इसका टेस्ट बिल्कुल अजीब सा है, ब्रश करते वक्त तो इतना गंदा टेस्ट नहीं लगता है इसका, अभी क्यों लग रहा है इतना गंदा। ओके सो गाइस, यही हमारे सारे क्वेश्चन होते हैं, ख़त्म, टाटा बाय बाय। नहीं नहीं अभी रुको रुको, ज़रा सब्र करो, अभी बाय बाय नहीं करना है। सो गाइस, यहाँ हमारी क्यू एन ए वीडियो एंड हो चुकी है, एंड मुझे आपको एक और बार बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना है कि आपने मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर बहुत जल्दी करवा दिए। ऐसे अपना सपोर्ट करते रहना, अपना सपोर्ट बरसाते रहना, एंड या अपनी दिवाली अच्छे से मनाना। गुड बाय। अब हाँ, और मैं अब से और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे क्राफ्ट वीडियोज़ लाऊँगी, ड्राइंग वीडियोज़ लाऊँगी, एंड या टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।